नमस्कार, वेलकम टू श्रवीज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स दाल की बहुत ही टेस्टी कुरकुरी पकौड़ियाँ। तो चलिए आपको बता दें, इसको बनाने के लिए हमें सामान क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमने दो तरीके की दाल ली है। ये उड़द की दाल है, इसे हमने 4 से 5 घंटे पहले भिगो लिया था और अब धोकर साफ कर लिया है। इधर हमने चने की दाल ली है, इसको भी इसी तरीके से भिगोया था और साफ कर लिया था। अब इन दोनों दालों को हम पीस लेंगे। हमने उड़द की दाल को पीस कर तैयार कर लिया है, तो अब इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे और अब इसी जार में हम चने की दाल को भी पीस लेंगे। अब हमारी ये चने की दाल भी पीसकर तैयार हो चुकी है, तो इसको भी हम इसी बोल में निकाल लेंगे और अब दोनों दालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें कटी हुई प्याज डालेंगे। थोड़ा गरम मसाला डालेंगे और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें ये एक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और आधा चम्मच के लगभग हींग पाउडर मिलाएंगे। इसके बाद इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और अब लास्ट में अंदाज से नमक डालेंगे। इतने पेस्ट में हमने करीब 1 चम्मच के लगभग नमक डाला है, तो अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल का पेस्ट हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो चलते हैं अब फटाफट पकौड़ियाँ फ्राई करते हैं। अब हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें एक एक पकौड़ी डालते जाएंगे और उसे फ्राई कर लेंगे। तो इस पेस्ट से हम थोड़ा थोड़ा पेस्ट हाथों में लेंगे और एक एक पकौड़ी इसमें डालेंगे। बहुत ही सावधानी के साथ हमको पकौड़ियां इसमें डालनी है ताकि हाथ भी ना जले। पकौड़ियों को हम तुरंत नहीं पलटेंगे, कुछ देर बाद ही नहीं पलटेंगे। तो अब देख रहे हैं इनका कलर थोड़ा चेंज हो गया है, तो अब उलट पलट कर इसको हम फ्राई कर लेंगे। चने की दाल मिलाने की वजह से इस पकौड़ी में बहुत ही अच्छा सौंधापन आता है, जो इसकी खासियत भी है। और अब हम देख रहे हैं कि हमारी ये पकौड़ियाँ बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। इनका कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है, गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं ये। तो अब इसको बाहर निकाल लेते हैं हम। अब बाकी बचे हुए पेस्ट की पकौड़ियाँ भी हम ठीक इसी मेथड से फ्राई करेंगे। पहले की ही तरह कढ़ाई में पकौड़ियाँ डालेंगे और फिर उसको फ्राई करके हम बाहर निकाल लेंगे। अब इन्हें भी हम पलट लेंगे। अब ये शिफ्ट भी हमारी तैयार हो चुकी है, तो इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, अब हमारी ये गर्मा गर्म कुरकुरी पकौड़ियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनी है, इसे मैंने टोमेटो सॉस और चिली सॉस के साथ सर्व किया है। आप अपनी किसी भी मनपसंद चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो मिलती हूँ फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।